दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे रेखवज, या इसको आप बोल सकते हैं बचका। और ये देख ही सकते हैं, ये है टोटी का पत्ता। सबसे पहले इसका आप रेशा निकालिएगा। तो बेसन का लेप लगाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला तैयार करते हैं। हमने ले लिया बेसन 250 ग्राम का। आज इसमें हम लोग चावल का आटा लेंगे, जिससे हमारा रेसिपी क्रिस्पी बन सके। और इसमें हल्दी लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। लाल मिर्च पाउडर, गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। हाजमा के लिए हींग लिए हैं दोस्तों, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब इसको पानी देके इसको अच्छे से मिलाते हैं, और ज्यादा पतला नहीं करेंगे। तब अच्छे से इस पे, इस पत्ते पे अच्छे से लपेट पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ज्यादा पतला नहीं किया मैंने, वैसे अच्छी तरह से मिला लें। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें नींबू डालना ना भूलें। नींबू डालने इसमें डालने से इसे क्या होगा, आपको कड़वा नहीं लगेगा खाने में। अगर आप नींबू नहीं डालते हैं तो कड़वा लगेगा खाने में आपको, तो याद रखें कि नींबू जरूर डालें। चारों साइड अच्छे से इसका लेप लगाएंगे। तो इसका लेप अच्छे से लग चुकी है। अब चलिए इसको हम लोग मोड़ते हैं, इसके ऊपर भी लेप लगाएंगे। ये एक हमारा तैयार हो गया, इसी तरह हम लोग दूसरा तैयार करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको भाप लगाने के लिए पहले इसको बांध देते हैं, ताकि ये खुले नहीं, ये पत्ता इसका। और इसके बाद इसे, चलिए अच्छे से इसका भाप लगाएंगे। दोस्तों, इसको बॉयल करने के लिए हमने यहाँ देखिए पानी ले लिया है, और यहाँ पे लकड़ी लगा दिया, ताकि ये जो है अच्छे से इसमें डूबे ना, और अच्छे से बॉयल हो जाए। तो चलिए इसको रखते हैं इस पर। तो अभी देखिए, इसको बॉयल होने के लिए दे दिया अच्छे से, और थोड़ी देर के लिए इसको बॉयल होने देंगे, ढक देंगे, और इसको ढक देते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये बॉयल हो गई है इसका। अब इसको उतारते हैं। इसको अच्छे से इसमें काट लें। अब जितना पतला चाहें, जितना मोटा चाहें उतना कर सकते हैं। सरसों का तेल लिया दोस्तों, तेल गर्म हो गई है दोस्तों। अब इसे, चलिए इसे फ्राई करते हैं। ये अच्छे से पक चुकी है, चलिए इसे निकालते हैं।
तो दोस्तों ये हमने फ्राई करके रख दिया है। अब इसका ग्रेवी बनाने के लिए चलिए सबसे पहले यहाँ पे सरसों तेल हमने डाल दिया और तेल गर्म हो गई है। तेल गर्म हो गई है तो इसमें डालते हैं तेज पत्ता, सरसों, खड़ा सरसों है, खड़ा जीरा, हमने पहले से प्याज को, टमाटर को और मिर्च को काट के रखा है तो चलिए सबसे पहले प्याज डालते हैं। मिर्च लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिए हैं। हालत खराब है दोस्तों, सरसों और अदरक को पहले से पीस के रखा हुआ है हमने तो इसे चलिए डालते हैं। हल्दी देंगे दोस्तों, स्वाद अनुसार नमक, गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मीट का मसाला दे दिए, स्वाद आएगा। तो चलिए अब टमाटर डालते हैं, जो पहले से काट करके थे टमाटर डाल दिए। तो दोस्तों इसमें अब डालते हैं कश्मीरी मिर्च, अब इसको खोलने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। दोस्तों ग्रेवी उबलने स्टार्ट हो गई है तो चलिए अब डालते हैं इसे, जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था। धनिया पत्ता डाल रहे हैं दोस्तों उतारने से पहले। तो दोस्तों देख ही सकते हैं ये बन के तैयार हो गए हैं हमारा, चलिए इसको उतारते हैं। बचका कैसे लग रहा खाने में? बहुत ही अच्छा है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। सावन के महीने में मछली का स्वाद। और राजू? बहुत बेहतरीन है, बढ़िया लग रहा खाने में। इसमें जब घर में बनाइएगा तो नींबू ज्यादा मात्रा में और अचार जरूर डालिएगा। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कड़वाहट हल्की फुल्की आती है, इसीलिए अचार रखिएगा तो नहीं आएगी। ठीक,